इन दिनों दिन का तापमान तो गर्म रहता है, लेकिन उससे ज्यादा तापमान आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस का गर्म रहने वाला है, क्योंकि अभी और भी कई बड़ी फिल्में आनी बाकी हैं। तो आइए आपको बताते हैं आने वाली कुछ बड़ी फिल्मों के बारे में। 24 जून को रिलीज होगी जुग जुग जियो। लीड रोल में वरुण धवन नजर आएंगे और उनके साथ कियारा आडवाणी होंगी। यह फिल्म फैमिली ड्रामा बेस्ड मूवी होगी। इस मूवी के बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगी खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा। इस फिल्म के लीड एक्टर होंगे विद्युत जामवाल। 28 जुलाई को एक और पैन इंडिया फिल्म रिलीज की जाएगी जिसका नाम होगा विक्रांत रोना। इस फिल्म के लीड एक्टर किच्चा सुदीप होंगे और वहीं लीड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। चोर और डाकुओं पर आधारित इस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। इसके एक दिन बाद 29 जुलाई को एक विलन रिटर्न रिलीज होगी। इस बार आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं बल्कि जॉन इब्राहिम, दिशा पटानी, तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं। एक विलन काफी हिट मूवी रही है। बताया जा रहा है कि एक विलन मूवी जहां पर खत्म हुई थी उसी जगह से इस फिल्म को आगे बढ़ाया जाएगा। 11 अगस्त को एक और पैन इंडिया फिल्म रिलीज की जाएगी जिसका नाम होगा लाल सिंह चड्ढा। मुख्य किरदार के रूप में आमिर खान और करीना कपूर नजर आएंगी। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बाद जिस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा वो फिल्म 9 सितंबर 2022 में रिलीज होगी जिसका नाम होगा ब्रह्मास्त्र। रणबीर कपूर इस फिल्म के लीड एक्टर होंगे और उनके साथ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आलिया भट्ट और कई बड़े एक्टर नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ आने वाली बड़ी फिल्में जिनसे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचने की काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। आपके अनुसार कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा कामयाब साबित हो सकती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे बॉलीवुड जगत की एक और नई खबर के साथ।